गुड मॉर्निंग किड्स, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी इन स्टैंडर्ड वन। ओके, आज हम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ेंगे स्टैंडर्ड वन में। लास्ट टाइम मैंने आपको ह और क्ष ये दो पेज करवा दिए थे। आज हम पेज नंबर 63 से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ पेज नंबर 63। पढ़ो और लिखो, हमें पढ़ना है और लिखना है, तो हम स्टार्ट करेंगे घ्न से। तो घ्न से ज्ञानी, क्या है घ्न से ज्ञानी, ज्ञानी, ठीक है। तो यहाँ पर घ्न कैसे लिखते हैं, इस तरह, ठीक है। घ्न से ज्ञानी, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, नॉलेजेबल। ओके, चलो घ्न से ज्ञानी। तो चलो घ्न को घ्न के साथ जोड़ो, जॉइंट घ्न विथ घ्न। घ्न ख घ्न स घ्न श। घ्न पहचान कर सर्कल बनाओ, ये क्या है घ्न, श स ख घ्न व क ग घ्न घ्न घ म न घ्न भ। चलो घ्न से अलग वर्णों को क्रॉस करो, क्रॉस द लेटर्स अदर देन घ्न। घ्न क्ष स घ्न ख श घ्न ग ध घ्न। घ्न के नीचे रेखा खींचो, य घ्न घ्ना नी वि घ्ना न सु घ्न अ घ्न घ्ना न, ठीक है। चलो अब उसके बाद है पढ़ो और लिखो। घ्न 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 से ज्ञानी, 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 ठीक है। चलो हम फिर से देखेंगे घ्न से ज्ञानी। ज्ञानी यानी नॉलेजेबल, यानी ज्ञानी मतलब जिसमें बहुत सारा ज्ञान होता है, बहुत सारी नॉलेज होती है, उसको हम ज्ञानी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें एक फ़ोटो भी दिख रहा है ना। चलो अभी घ्न से घ्न को घ्न से ज्वाइंट करना था, तो हमने वो तो कर दिया था, घ्न घ्न और घ्न, ठीक है। फिर यहाँ पे घ्न पे हमें सर्कल करना था, तो घ्न जितने भी घ्न थे हमने उस पर सर्कल कर दिए थे। उसके बाद था कि घ्न से अलग जो वर्ण है उस पर हमें सर्कल करना था, तो ये घ्न ये क्ष था, इस पे क्रॉस करेंगे, स पे क्रॉस किए, घ्न पे नहीं करेंगे। फिर ख श घ्न ग ध और घ्न। फिर घ्न के नीचे रेखा खींचनी है, तो यज्ञ ज्ञानी विज्ञान सुघ्न अघ्न ज्ञान। फिर घ्न, तो घ्न से ज्ञानी, 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 घ्न से ज्ञानी। उसके बाद है
त्र, तो त्र से जो त्रिशूल है वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, आज के लिए इतना ही। ओके, तो आपको टेक्स्ट बुक में देखकर, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 63 वीडियो देखकर कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।